तो फाइनली सैमसंग भी अंडर 30,000 की रेस में आ गया है। ये है सैमसंग F54 एंड सैमसंग बोलता है कि इस फोन में चार मेजर पॉइंट है जो बहुत ही अलग है। चलो देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। कुछ जाना पहचाना से डिजाइन लग रहा है, नहीं वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखो ये फोन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है 6.7 इंच का है, तो समझ जाओ इसको एक हाथ से यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें ना सबसे ज्यादा जो अलग है यार, इसकी बैटरी 6000 mAh की बैटरी यार, और उस हिसाब से देखा जाए तो इतना ज्यादा भारी फील नहीं होता और उतना मोटा भी नहीं है ये। और हाँ, इसका जो पीछे का डिजाइन है ना फ्लैट नहीं आता है, थोड़ा सा कर्व डिजाइन है, तो हाथ पकड़ने में ना ज्यादा अच्छा फील होता है, ग्रिप अच्छी आती है। और हाँ, इसमें यार हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब इसका है कि आप दो सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, या तो आप एक सिम लगा सकते हो और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। वैसे देखा जाए तो यार मैक्सिमम कंपनीज ना आजकल हाइब्रिड सिम स्लॉट बंद कर रही हैं, वो सिर्फ दो सिम का ही ऑप्शन दे रही है, तो इस फोन पे ना थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। और सुनो, इसके यार बेजल्स देखो, ये थोड़े से ज्यादा तो फील होते हैं बट ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। एंड ये जो है ना एक पहचान बन चुके हैं सैमसंग के मिडरेंज फोन्स की। और मैंने कहा था ना आपको इसका डिजाइन कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो देखो कैमरा जो है ना इसका एकदम सैमसंग S23 की सीरीज जैसा ही मिलता है, सेम टू सेम। वैसे इसके सामने ना गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन यार मेरे हिसाब से ना सामने प्रोटेक्शन लगा लेना चाहिए, बिकॉज ग्लास टू ग्लास यार टूट सकता है। बैग जो है ना वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का आता है, लेकिन यार प्लास्टिक यूज करने का ना अपने फायदे और अपने नुकसान भी होते हैं कुछ, तो मेरे हिसाब से यार आई थिंक फायदा ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, फायदा है या नुकसान है। देखो यार प्लास्टिक यूज करने का सबसे बड़ा जो फायदा मुझे लगता है ना, इसका वेट भी हल्का रहता है और इसका जो प्राइस है वो भी हल्का रहता है। और अगर गलती से आपके हाथ से गिर भी गया ना, तो यार ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, इसमें सिर्फ स्क्रैचेस बनेंगे लेकिन टूटेगा नहीं। हाँ, इसके नुकसान भी कुछ होते हैं, जैसे कि इसको अगर आप पकड़ोगे ना तो फील अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा चीप फील होता है पकड़ने में, लेकिन फर्क क्या पड़ने वाला है, बैक कवर लगा लो प्रॉब्लम खत्म। इसके दो कलर आते हैं, सिल्वर वाला देखने में अच्छा लगता है लेकिन साफ कर करके यार थक जाओगे, आई थिंक ब्लू वाला ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। एक बात और, इसके जो हैप्टिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दें, बिकॉज सैमसंग जो है वो पहले DC मोटर यूज़ करता था, लेकिन अब इन्होंने ना लीनियर मोटर यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है टाइप करने में। बाय द वे इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, साइड में पावर बटन है, वही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट भी है। वैसे अगर डिस्प्ले की बात करें तो जैसा हम सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी मस्त डिस्प्ले इसकी, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड HDR10 का भी सपोर्ट है। एंड जो ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है ना, ये यार देखो जो नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले होती है ना उससे 15% ज़्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से ना इसको किसी भी फ़ोन पे फिक्स करो तो ज़्यादा जगह नहीं खाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी अगर देखो तो यार काफ़ी ज़्यादा क्लियर, क्रिस्प एंड शार्प डिस्प्ले है। और हाँ, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ना इसमें मुझे एक दिक्कत दिखी है, जैसे हम यूट्यूब में अगर 4K वीडियो चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा लैग करता है बिकॉज ऑफ प्रोसेसर, समझाता हूँ आगे। इसमें ना मुझे एक और खराबी मिली है, इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं मिलता है, तो अगर आप कंटेंट वॉच कर रहे हो वो भी विदाउट हैंड फ्री, तो फोन का जो स्पीकर है वो हाथ से कवर हो सकता है। और एक कमीज की जो ब्राइटनेस है ना वो 420 निट्स तक जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आउटडोर में ना ये 800 निट्स तक जा सकती है। देखो उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत धूप में ना स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। अब इसके कैमरे देखते हैं, इसमें तीन कैमरे हैं बैक में, 108 मेगापिक्सल का विथ OIS के साथ, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का एंड मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का, एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। सच बताऊं तो यार इस प्राइस में ना सैमसंग के जो कैमरे होते हैं उतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है, लेकिन सैमसंग ने ना इस फोन पे कुछ जादू किया है, खुद इमेज देख लो, पिक्स देखो बैलेंस दिख रही है काफी। ग्रीन देखोगे तो यार पहले ना ऑलमोस्ट ओवर शार्प हो जाती थी, ओवर सैचुरेट हो जाती थी, लेकिन इस बार अच्छा खासा ऑप्टिमाइज किया है। इंडोर में भी पिक्स जो है वो अच्छी खासी ले रहा है, नॉइज भी नहीं दिख रही है ज्यादा, एंड नॉर्मल लाइट में भी यार बैलेंस इमेज निकाल रहा है ये फोन। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यार इसमें भी ना काफी अच्छी इमेज निकाल रहा है और ज्यादा आप लोगों को शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, इसका पोर्ट्रेट मोड इमेज काफी अच्छी निकाल रहा है यार, एज डिटेक्शन भी देखोगे तो काफी अच्छा है, मुश्किल कंडीशन में भी हैंडल कर लिया सैमसंग F54 ने। अच्छा अब इसकी वीडियो देखते हैं, देखो वो भी ना काफी ज्यादा अच्छी निकाल रहा है, जो इसका OIS है ना वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, नेचुरल कलर निकाल रहा है, काफी ज्यादा स्टेबल है। हाँ, अगर आप हाथ थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबल करके रिकॉर्ड करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो बनेगी। इसकी लो लाइट इमेजेस भी देखो आप, इसमें भी सैमसंग ने कमाल कर दिया है। इसमें ना
ऑटो नाइट मोड का एक ऑप्शन है। अगर कैमरे को लगता है कि आसपास की जो लाइट्स है वो थोड़ी कम है तो ये जो फोन है ये ऑटोमेटिकली नाइट मोड ऑन कर देता है। काफी सही इमेजेस निकाल रहा है। इसमें कोई अलग सी टेक्नोलॉजी यूज करता है सैमसंग जो 3 पिक्सल्स को ज्वाइन करके 1 पिक्सल बनाता है जो काफी ज्यादा आपको ना अच्छी क्लैरिटी के साथ इमेज दे रही है। और इस प्राइस में अगर देखा जाए बाकी फोन्स की लो लाइट परफॉर्मेंस से तो ये फोन काफी ज्यादा बेटर है। अब देखो इसमें लो लाइट फोटोज तो अच्छी हैं लेकिन और भी ज्यादा अच्छी है इसकी लो लाइट वीडियोस। वो देखो इतनी कम लाइट में भी यार कोई भी नॉइस नहीं दिख रही और काफी फोकस एंड स्टेबल फुटेज निकाल रहा है। इस प्राइस के हिसाब से भाई बेस्ट फुटेज निकाल रहा है ये फोन। ऐसा क्यों है? देखो इसके अंदर OIS है और जो OIS है ना वो सैमसंग की टेक्नोलॉजी है VDIS करके, वो सैमसंग ने S22 में लॉन्च किया था। वो टेक्नोलॉजी जो है वो इस फोन के अंदर डाल दिया है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अच्छी फुटेज आ रही है। इसमें बहुत सारे मोड्स भी हैं, इवन इसमें प्रो मोड भी है जिसमें यार सैचुरेशन वाइट बैलेंस सब कुछ ना एकदम आप कंट्रोल कर सकते हो और इस प्राइस में ना ये फीचर बहुत कम मिलता है। और हाँ सैमसंग ने इसमें ना एक और मोड दिया है एस्ट्रो लैब्स का जिससे आप स्टार्स को कैप्चर कर सकते हो, बादलों के आप लैब्स को कैप्चर कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसकी बैटरी है यार, मतलब 6000 mAh की बैटरी, ये पूरा का पूरा पावर बैंक है। और इतनी बड़ी बैटरी है ना इसको फुल चार्ज कर लो तो 2 दिन तक आराम से चल जाएगी आपकी नॉर्मल यूजेस पे। और जैसा कि मैंने कहा पावर बैंक तो वो भी देख लो वही बन जाता है ये। आप कोई भी Type-C to Type-C केबल लो दूसरे फोन को आराम से चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ भी ना एक कमी है, देखो सैमसंग ने 6000 mAh की तो बैटरी दे दी लेकिन इसकी चार्जिंग अभी तक 25 वॉट पे ही टिकी हुई है। मतलब 6000 mAh बैटरी को चार्ज करने में कम से कम यार ये 2 घंटे तो आराम से ले लेगा, बस इतना झेलना पड़ेगा आपको। देखो इस फोन में यार कैमरा इसका काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी बैटरी है वो भी ज्यादा बड़ी है। तो अगर किसी को ना कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर फोन चाहिए है, शॉर्ट्स रील का किसी को शौक है या व्लॉगिंग करते हैं तो ये फोन आप लोग के लिए मस्त हो सकता है। बिकॉज यार देखो कैमरा यूज करते टाइम बैटरी बहुत ज्यादा यूज होती है तो यहाँ पे ना ये मस्त काम करेगा। चलो अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें है Exynos 1380 8GB रैम के साथ प्लस 256GB का स्टोरेज, लेकिन इसका जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 टाइप है और आज की डेट में ना इसका जो स्टोरेज है वो थोड़ा स्लो माना जाता है। देखो ये वही वाला प्रोसेसर है जो सैमसंग के A54 में यूज हुआ था। हाँ ये थोड़ा सा गर्म चलता है लेकिन सही काम करता है। Exynos 1380 जो है वो यार देखो परफॉर्मेंस के लिए नहीं माना जाता है, तो अगर इसका एंटीटू स्कोर देखोगे तो यार कम है, इवन काफी कम ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो डे टू डे टास्क में अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। इसमें जो स्टोरेज है वो 2.2 है तो ऐप ओपनिंग हो चाहे ऐप क्लोजिंग हो तो थोड़ा सा टाइम तो जरूर लेगा। चलो अब इसकी गेमिंग भी देख लेते हैं। देखा जाए तो स्मूथ पे ना आप इस पर 40 FPS तक गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये गेमिंग फोन तो है नहीं, तो इसमें गेम खेलते टाइम आपको हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत लैग भी मिल सकता है। तो डे टू डे टास्क की बात करें तो नॉर्मल तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन गेमिंग में आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो ये फोन नहीं लेना आप। देखो बात यहाँ पे ना थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की भी आती है, बिकॉज अगर देखा जाए तो यार ये फोन जो है आगे एंड पीछे दोनों से ही आपको 4K वीडियो शूट करके दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड नाइट में भी ना आपको फोटोज एंड वीडियोस को प्रोसेस करके अच्छे से दे रहा है। तो बात यहाँ वही है यार कि सभी फोन में कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाएगी। और हाँ जैसा मैंने कहा कि यार ये जो फोन है ना ये परफॉर्मेंस के लिए बना ही नहीं है, तो इसका मेन जो फोकस है इसका कैमरा एंड इसकी बैटरी है। बेसिकली ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए और बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो उनके लिए ना ये बेस्ट फोन है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है वो भी One UI 5.1 के साथ। और तो और इस फोन पे ना आपको सैमसंग 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से यार इस फोन पे क्या इवन इससे महंगे फोन्स में भी 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट कोई फोन नहीं दे रहा है। वैसे आप सैमसंग यूजर हो तो आपको 5.1 के बारे में तो पता ही होगा, बट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें ना आप वर्चुअल रैम बना सकते हो तो डे टू डे टास्क में आपका और ज्यादा मल्टीटास्किंग स्मूथ हो जाएगा। इसमें एक फीचर है वॉइस फोकस नाम का जो कॉल के दौरान ना आपकी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अच्छा इसमें ना फोटोज के लिए कमाल का फीचर है जो गैलरी में ही मिलता है, बस आप एक क्लिक से वो भी कर सकते हो। जैसे आपको शेडो और रिफ्लेक्शन रिमूव करना है वो आप कर सकते हो बड़े आराम से। कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है फोटोज में से वो भी आप सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हो, बहुत ही ईजी है यार ये चीज। और हाँ अगर आपको लगता है कि पिक अच्छी आई है लेकिन कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है तो इसमें एक फोटो मास्टर नाम का भी ऑप्शन है जो आपकी फोटो की क्वालिटी एंड कलर को एनहेंस कर देगा।
देता है। और भी बहुत कुछ है, नियर बाय शेयर है, क्विक शेयर है, सिक्योर फोल्डर है, एक्स्ट्रा डिम फीचर है, सैमसंग वॉलेट है, रूटीन है, डॉल्बी एटमॉस है, भाई सब कुछ तो आपको मिल रहा है। तो अब देखा जाए तो यार इस प्राइस में सैमसंग का फोन कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए ही काफी ज्यादा अच्छा है और नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका कैमरा काफी अच्छा है और अगर बैटरी की बात की जाए वो भी बहुत अच्छी है। एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए जैसा मैंने बताया था कि कैमरा कितनी बैटरी चूस लेता है वो आप लोग को पता है, बट हाँ यहाँ पे सैमसंग वालों को कुछ इम्प्रूवमेंट कर देना चाहिए, जैसे इसकी जो चार्जिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो है, उसे थोड़ा सा फास्ट कर लेना चाहिए, और जो इसका बैक साइड है ना उसकी जो क्वालिटी उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते तो मजा ही आ जाता। बट ठीक है, कवर लगा के हम काम चला लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको सैमसंग F54 के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, हम हाजिर रहेंगे। एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, बिकॉज इससे क्या होगा कि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, मैं भी ग्रो हो जाऊंगा एंड मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।